ओम श्री गणेश नमः। हर क्षेत्र में जय विजय और विधि का विधान बदलने के लिए रुद्राभिषेक नमक चमक, रुद्राभिषेक नमक चमक, इसके अंदर बहुत राज रहस्य है, ऐसा पुस्तक ले आइए। ये पुस्तक मिलेगा दिल्ली। हर माँ बहन महिला अपने घर में जरूर रखें। आपके घर में शिवलिंग अगर है तो एक रुद्राभिषेक पुस्तक जरूर रखें, उसके अंदर एक एक अक्षर रहस्य है। रुद्राभिषेक नमक चमक, आपके घर में मान लो 10 या 20 मेंबर हैं, तो सर्वप्रथम वह 125 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान का आपको पावर देगा, अकाल मृत्यु दोष से आपको रक्षा करेगा। आपके जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं वह दोष को स्तंभन करेगा, दोष को आगे बढ़ने नहीं देगा। रुद्राभिषेक नमक चमक, ये हाई पावर मंत्र इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर आदमी कहीं भी रहे ये काम करेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं बाबा जी आपका फीस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लूंगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं, लेकिन जो भी मुझे अगर कॉल कर दिया तो उसका बंद सिटी बीटी गोल्ड वर्ल्ड लेवल काम करता हूं, सुनील अग्रवाल नाम है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र और इसी हाथों से मैंने ब्रह्म राक्षस और बेताल को मारा है। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट समस्या हो कोर्सेस कीजिए, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए, रुद्राक्ष का कुछ भी धारण कीजिए। यह जो रुद्राक्ष है यह सभी राशियों के लिए है। घर में नर्मदेश्वर, धन कुबेर नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास करवाए। घर में हर रोज पीली सरसों और हल्दी का धुनी दीजिए। और हमारे ओडिशा में अखंड दीपक जलते हैं और हल्दी, बृहस्पति ग्रह हल्दी, हल्दी पूजन रोज होते हैं। कोर्सेस कीजिए। आप हर क्षेत्र में जय विजय होना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकदार बनना चाहते हैं, किस्मत नाम का कुछ चीज नहीं है, आपके घर में धन कुबेर का पाइपलाइन फिट हो जाएगा। शिवलिंग जाते हैं, शिव मंदिर, हाथ लगाइए शिव जी को, कर्पूर थोड़ा चढ़ाइए और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ये श्लोक बोलिए 3 बार और बोलिए हमारे घर में धन कुबेर का पाइप लाइन लगा दीजिए, हमने धन कुबेर मंदिर में माला चढ़ाया है, ऐसा बोलिएगा ये माला। भारत देश में 2 या 3 धन कुबेर मंदिर है, शिव जी स्वयं उसका निर्माण करवाते हैं और मेरे माध्यम से एक मंदिर का निर्माण हुआ है उड़ीसा राज्य जिला कालांडी शहर के सिंह में। आप वहां आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि धन कुबेर देवाय को हमारे तरफ से गेंदु फूल माला चढ़ा दीजिए, गणेश जी को चढ़ा दीजिए, पंचमुखी शिव को, पंचमुखी गायत्री को, सिर्फ फूलमाला मैसेज कर दीजिएगा। आज हर रोज चढ़ते हैं फूलमाला, 12 फूलमाला चढ़ाइए आप पंचमुखी शिवालय को, 12 ज्योतिर्लिंग को टच करेगा और ये चारों देवी देवता को और अखंड दीपक 4 जल रहे हैं, हर रोज अखंड दीपक जलते हैं, सबको मिला अगर 33 अगर एक दिन भी आप चढ़वा देते हैं तो 33 प्रकार देवी देवता को प्राप्त होगा। आपका आत्मा इनबैलेंस है, 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, यही कारण से बीमारी दुख दरिद्रता गरीबी लगा हुआ, पाइपलाइन लग जाएगा आपके घर में। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाए, जन्म कुंडली जहां दिखाओ वहीं फंसोगे। हस्तरेखा नहाने के पानी में हल्दी डालिए, शरीर में हल्दी लगाइए और यह हल्दी लगा के शिवलिंग का लेपन कीजिए, अपने गांव शहर के शिवलिंग में 1 दिन 30 दिन के अंदर 1 दिन किसी भी शनिवार को जाइए हल्दी लेपन कीजिए। हस्तरेखा बनता और बिगड़ता है। यह खेल जो है यह लाइए 8वां अध्याय, पहले इसको नमक चमक पढ़ लीजिए। नमक चमक एक बार किसी के लिए भी मैं करवा देता हूं तो शिव जी के सभी दूत उनके घर के चारों तरफ रखवाली हो जाते हैं, क्योंकि नमक चमक जो मेरा चलता है बीच बीच में कभी कभार 108 त्रिशूल चढ़ाता हूं, त्रिशूल चढ़ते ही वह त्रिशूल ब्रह्मास्त्र विद्या बन जाता है। आप किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में मत पड़े, यह आपको डुबो देंगे। घर में पीली सरसों हल्दी का धुआं जोरों से दीजिए, हम धन कुबेर का नर्मदेश्वर शिवलिंग भिजवा देंगे। नहाने के बाद और सोने से पहले अपने नाभि में
हवन यज्ञ विभूति लगाएं, दुकान से खरीद के लाना नहीं है, खुद से हवन तैयार कीजिए, 2 मिनट लगते हैं हवन। और नहाने के बाद मस्तक पे या जो दूब और बेलपत्ता को पाउडर कर लीजिए, अगर नहीं मिलता आपके क्षेत्र में हम बायपोस्ट भेज देंगे, और मस्तक पे लेपन कीजिए। आपके घर में जितने सूखे अनाज हैं सभी सूखे अनाज में हवन विभूति जरूर डालें, क्योंकि ग्रह का नकारात्मक ऊर्जा वहीं पड़ता है। राक्षसी शक्ति अपना नकारात्मक ऊर्जा वहीं छोड़ते हैं, पानी के टैंक में छोड़ देंगे, पीने के पानी में छोड़ देंगे, अनाज में छोड़ देंगे। आज 80% लोग बंधन है, तंत्र से बंधन, काला जादू से बंधन है, आंख में नजर बंद कर दिया गया, इसीलिए घर में कलह होता है। जैसा भी आपको प्रॉब्लम हो, 1 रुपया फीस नहीं लूंगा। आपके आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, अखंड दीपक से जोड़ दीजिए। आपने देखा होगा कोई कुत्ता अगर जा रहा तो कोई भी उसको पत्थर मार देता है, उसके गले में एक झूठ मूठ का भी एक पट्टी डाल दीजिए आप, तो उसे कोई पत्थर नहीं मारता, मानव भी नहीं मारता, बोलता इसका मालिक आ रहा है पीछे। तो ओडिशा राज्य में जो पंचमुखी शिवालय है, आपके पूरे ऑल फैमिली मेंबर्स का आत्मा को परमात्मा अर्थात अखंड दीपक पंचमुखी शिवालय से जोड़ दूंगा, तो कोई भी साहस नहीं करेगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करने के लिए। रुद्राक्ष दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलता है, शरीर का नकारात्मक ऊर्जा ही खींचता है। घर में 3 नर्मदेश्वर शिवलिंग तक आप रख सकते हैं। 33 कोटि देवी देवता का अर्ण भोग में हल्दी लगता है, शिवलिंग में अर्ण भोग लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, खाने का हल्दी, तो शिवलिंग में हल्दी भी लेपन होगा, क्योंकि वहां अशोक सुंदर देवी है। अब वर्ल्ड के अंदर कहीं एजुकेटेड महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाना मेरा काम है, आपके कंठ में सरस्वती का वास करवाना मेरा काम है, आप प्रवचन देना शुरू कीजिए। मैंने किसी इंसान को गुरु नहीं बनाया, मेरे गुरु जी हैं रुद्र प्रकाश विश्वनाथ देव। मैं हमेशा अग्नि का पूजन करता हूं, और बीच बीच में मेरा रुद्राभिषेक नमक चमक अनुष्ठान होगा। तो इसके लिए आज मैं कमिटी डिक्लेयर कर रहा हूं, आज आप मान लीजिए महाशिवरात्रि 2024 का दिन है, ऑल वर्ल्ड से यह कमिटी में 108 फैमिली मेंबर्स को ही रखूंगा एक डायरी में लिख के, या आपको अलग से रुद्राभिषेक नमक चमक करवाना है तो भी करवा दूंगा। लेकिन हम लोग एक संगठन बना रहे 108 ऑल वर्ल्ड। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मित्तल जी हम भी रुद्राभिषेक नमक चमक का मेंबर बनना चाहते हैं, अपना फोटो दे दीजिएगा, घर के सभी मेंबर का नाम दे दीजिएगा। मैं ज्यादा चैटिंग भी करना बंद कर दिया, फोन तो रिसीव करता ही नहीं, तो ओनली ऑल वर्ल्ड से 108 मेंबर को शामिल करूंगा रुद्राभिषेक नमक चमक। कल गुजरात के एक भाई साहब से हम बात कर रहे थे, फैक्ट्री मालिक से, बोले हमने आज तक रुद्राभिषेक नमक चमक नहीं करवाया, मतलब एक बार करवाइए मेरे से, पैसा तो खर्च होगा, 108 त्रिशूल अपने आप में मायने रखता है, नाग नागिन का जोड़ा चढ़ेगा। सिस्टोमेटिक करवाता हूं काम, रुद्राभिषेक करवाना हो 365 दिन चल रहा, हल्दी पूजन 300 अखंड दीपक ये अश्वमेध दिया गया है, ये ज्वाला देवी जलती हुई देवी है। आपके आत्मा को स्वर्ग के द्वार तक जोड़ना, आपके शरीर को मोक्ष दिलाना शिवलिंग के माध्यम से, पंचमुखी शिवलिंग के माध्यम से सब कुछ संभव है। 365 दिन मेरे पूजन चलते रहते हैं। आपका शादी का सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, मुझे 7 दिन पहले या 2 दिन पहले मैसेज कीजिए, संगीत मैं करवा दूंगा। अभी जैसे 10 तारीख को संगीत में शादी का सालगिरह करवाया गया, आपके बेटे का जन्मदिन है, बेटियों का जन्मदिन है, तो 2-4 दिन पहले सामूहिक में करवा दूंगा, बहुत कम पैसा में हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि संगीत में करवाएगा ज्यादा पैसा, सामूहिक में बहुत कम पैसा लगेगा, वह भी सरसों तेल से करवाऊंगा, रुद्राभिषेक में श्रेष्ठ होता है सरसों तेल, श्रेष्ठ होता है फिर उसके बाद गंगा जल, फिर श्रेष्ठ होता है पानी के अंदर कर्पूर अघोरम करुणावतारम संसार कर्पूर डाल के, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सिंदूर,
पंचमुखी रुद्राक्ष आपने देखा है, कहीं भी अखंड दीपक जलता हो पंचमुखी रुद्राक्ष दे दीजिए, दुर्गा के हाथ दे दीजिए, शिव के, काली के, रानी सती, भान भोरी सबको दे दीजिए। रुद्राक्ष दुर्भाग्य दोष को सौभाग्य में बदलता है। त्रिशूल रक्षा सूत्र बांध के देवी देवता को चढ़ाइए, देवी देवता आपके रक्षक बनेंगे। मेरा जो रुद्राभिषेक होता है या रुद्राभिषेक नमक चमक, यह ब्रह्मास्त्र त्रिशूल विद्या रुद्राभिषेक भी होता है, रुद्राभिषेक नमक चमक भी होता है। किसी भी मंदिर में जाए, पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड सभी मंत्र को सिद्ध करते हैं। हमारे ब्राह्मण देवता देखिएगा, जब रुद्राभिषेक में बैठते हैं सर्वप्रथम वहां हवन विभूति थोड़ा लगाएंगे, कर्पूर देंगे और फिर पीली सरसों पकड़ेंगे और बोलेंगे ओम ह्रीम बकलाम के सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पद्मेस्तम्भे जीभाम किल बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। उसके बाद रुद्राभिषेक चलता है अशोक सुंदरी देवी के चरण में। हो सकता है कोई भी शिव मंदिर शिवलिंग के नीचे कोई राक्षसी शक्ति छुप के साधना करता हो, अगर पीली सरसों अगर दे दिया गया वह राक्षसी शक्ति वहां से भाग जाएगा। तो सिस्टमेटिक कार्य करता, वर्ल्ड के अंदर आप कहीं रहे। अभी मैं कमिटी कर रहा हूं रुद्राभिषेक नमक चमक का, आपको पर्सनल करवाना है करवा दूंगा। घर प्रवेश से पहले रुद्राभिषेक नमक चमक करवाइए, त्रिशूल देते रहिए पहले, नहीं तो कोई भी आपके नए घर में राक्षसी शक्ति प्रवेश कर जाएगा, आप उन्हें हटा नहीं सकोगे। आप बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुख हैं, आप परमात्मा से अपने आत्मा को, अपने शरीर को, आपके परिवार को, घर को जोड़िए। परमात्मा ओडिशा राज्य जो पंचमुखी पशुपतिनाथ देवाय है, पंचमुख का अर्थ होता श्री गणेश विष्णु सूर्य शिव और शक्ति, पंचमुख का अर्थ होता आपका शरीर पंच तत्व से है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, आपको पंच तत्व का वो रक्षा करेंगे। थ्रो लेमन में थोड़ा सरसों तेल, एक एक विद्या बतला दूंगा। जो एजुकेटेड महिलाएं आप ट्रेनिंग लेना, एक रुपया नहीं लूंगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं गुरुजी आपका फीस क्या है, फीस क्या, मुझे नहीं चाहिए। पैसा अगर कमाना होता तो मैं सामग्री बेच के बहुत पैसा कमा लेता। आपके बच्चों को एग्जाम में तेज करना, आलू पोटैटो चढ़ाइए शिवलिंग में और अखंड दीपक जलवाइए और उसी वर्ष देखिएगा रिजल्ट आपके बच्चों का, उसी वर्ष देखिएगा। लेकिन बच्चों के मस्तक पे भी हर रोज भीमसेनी कर्पूर और बेलपत्ता और दुबघास मालिश कीजिए, पानी में लगा के एक बार ट्रायल कीजिए 40 डेज। पति पत्नी के अंदर झगड़ा है, कलह है, ये वायुमंडल राक्षसी शक्ति कारण, पति पत्नी का कोर्ट में केस चला हुआ है, शनि ग्रह दोष उनको है, अखंड दीपक से शनि ग्रह शांत होते हैं, समीपत्ता से शनि ग्रह शांत होते हैं, ये समीपत्ता, ऐसे एम आई समीपत्ता। आपके घर में भी शिवलिंग है, थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए, थोड़ा समीपत्ता डाल दीजिए। एक बार समीपत्ता तोड़ के ले आए 12 वर्ष तक वासी नहीं होता। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता के जितने भी हैं मंत्र सिद्ध होते हैं शिवलिंग से, लेकिन अखंड दीपक ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश में ज्वाला देवी मंदिर है और माँ कामरूप कामाख्या देवी आश्रम। आत्मा स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, पहाड़ों के अंदर जो रहते हैं राक्षसी शक्तियां और पहाड़ के चारों तरफ जो छोटे छोटे गांव या शहर हैं, आप लोग बच के रहें। पहाड़ों के अंदर राक्षसी शक्तियां, दुर्गा सप्तशती उठा के दिखे। और वर्ल्ड के अंदर जब सभी डॉक्टर मना कर दे, मेडिकल मना कर दे कि यह आदमी नहीं बच सकता, उनका उम्र अगर कम है, देखिए।